हेलो गाइस, दिस इज रीटा। मेरे चैनल कुक बाय हार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ साउथ इंडिया की एक बहुत ही टेस्टी डिश उत्पम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, बट एक डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। जानने के लिए बने रहे आप मेरे साथ। उत्पम बनाने के लिए मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 5 हरी मिर्चें, आधा कटोरी हरा धनिया, 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी धुली उड़द की दाल। मैंने इसको अच्छे से मिलाकर धो लिया है, 4-5 घंटे डुबोकर रखा था। दाल चावल को मैंने धोकर पीसकर मिक्सी में रख लिया था। अब इसे एक बड़े से बॉल में निकाल रही हूँ। अब इसी पर सारी कटी हुई सामग्री मैं डाल दूंगी, जैसे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया। अब इन्हें अच्छे से मिला लीजिए और 15-20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया है। उत्पम बनाते समय ये सभी चीजें, उत्पम का जब चीला तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर से डाली जाती है, पर मैंने ये कच्ची सामग्री में घोल लिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत इम्प्रूव हो जाने वाला है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत इजीली और बहुत टेस्टी बनेगा। अब देखिए इसमें ये मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। छोड़ दीजिए इसे 15-20 मिनट के लिए। मैंने तवे को गैस पर रखकर गरम कर लिया था। अब उसमें ऑलिव ऑयल डालकर स्प्रेड कर लिया है। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन पर बनाना ज्यादा बेहतर होता है, पर मुझे इसका टेस्ट क्रिस्पी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तवा लिया है और इस पर मैं अच्छे से इसे ग्रीस कर रही हूँ। अब मैं इस पर 1 कड़छी बैटर डाल दूंगी और इसे अच्छे से फैला लूंगी। अच्छे से फैला लीजिए। अब इसे लो फ्लेम पर मैं अच्छे से फैला रही हूँ, अच्छे से बिल्कुल गोल गोल अच्छा सा बना लीजिए। आराम से कीजिएगा, नहीं तो टूटा या मोटा कहीं से पतला ऐसा ना बने, इक्वल बने। आराम से करिए, फैला लीजिए। फैलाते फैलाते ही बहुत बन जाता है ये अपने आप में। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा थोड़ा लेके डालिएगा, जिससे कि एकदम से लेंगे तो ज्यादा डल जाएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा सा चम्मच में लीजिए। और अब मैं इसके साइड में भी डाल रही हूँ, ठीक है, इसकी साइड्स भी। अब अच्छे से देखिए इसको, मुझे लग रहा है ये पक चुका है, साइड्स देख लें। और अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी, साइड देखिए ये पक चुकी है, अब मैं इसको फ्लिप करने वाली हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया और यहाँ भी थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे, ठीक है। अब आप देखें तो ये पक चुका है और इसको अब मैं सर्विंग प्लेट पर उतार लूंगी। दोनों साइड से पक चुका था, मैंने सर्विंग प्लेट पर उतार लिया है। लीजिए देखिए, तैयार है गर्मा गर्म टेस्टी उत्पम। देखिए कितनी आसानी से किचन में रखी चीजों से ही तैयार हो गया।